नमस्कार दोस्तों फिर से लेकर आ गया बहुत सारी से तो वीडियो क्लास तक जरूर से देखना तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करते हैं तो मुनार फर्गी का नया गाना आने वाला है जिसका नाम होगा लेगेसी और वो पांच तारीख को मतलब पांच अक्टूबर को रिलीज होगा जिसके बारे बार बताते तो हुए गुप्ता का बात आकाश गुप्ता के एक मीम टाइप का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसको देखकर उनके फैन को तो कम से कम खुशी नहीं होगा मतलब की थोड़ा फील बुरा ही होगा ऐसा मुझे लगता है आप लोग शायद देखिए होगी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें इलविस भाई बोल के काफी खतरनाक तरीके से एक बंदा बोलता है मीम बनाया था किसी ने आकाश गुप्ता के बारे में तो ये देखो आप भी कैसा लगा आपको जरूर से बतलाना ये मैम आकाश गुप्ता बिफोर ही वाज नॉट फेमस अरे एलविश भाई क्या ये कोई बोल सकता है क्या एलविश आगा। भाई गिल्ली अपडेट गौरव कपूर के बारे में गौरव कपूर काफी एक फनी तरीके से एक फैन को ट्रोल किए इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाले थे तो उनको एक मेल आया था जिसमें एक बंदा बोल रहा था कि उनको विराट कोहली से मिला है वो काफी बड़ा फैन है विराट कोहली का ऐसा वैसा लिखा था उनको और बोला रहा था प्लीज बाई हेल्प कर दो मेरा विराट कोहली से मिलने पर उसी पे उसको रिएक्शन करते हुए इंस्टाग्राम में स्टोरी डालकर वे लिखे थे भाई पहले आपको गौरव कपूर को मेल करना चाहिए मुझे नहीं ऐसे कैसे मिलेगा विराट से मतलब खुद ही नहीं मिले साथ से अभी तक विराट कोहली से तो उनको कैसे मिलवाएंगे यही बोलना था उनका गिल्ली अपडेट की ओर पड़ती हैं जो कि हसीब खान के बारे में हसीब खान अपने करियर पे सबसे ज्यादा एलिगेशन वाले क्वेश्चन पे जवाब दें हैं। तो काफी लोग उनसे इंटरनेट पे सवाल पूछते हैं कि वो जाकिर खान का कॉपी करते हैं उन्हीं जैसे बोलते हैं ऐसा बोलते उनको सवाल खड़ा होता है उनके ऊपर तो उसी पर रिप्लाई के एक इंटरव्यू में वो बोलते हैं कि ऐसा शुरू में हुआ करता था अब ऐसा नहीं होता है। ये कंफ्यूजन था जो कि शुरुआत में लोगों को हुआ करता था क्योंकि वो भोपाल से है और जाकिर खान इंदौर से है तो दोनों एक दूसरे का सटा हुआ सिटी है इसीलिए उन दोनों का एक्सेंट जो बोलने का तरीका है एक ही टाइप का है इसीलिए काफी लोग शुरुआत में उनके वीडियो पे जाकिर खान जाकिर खान जाकिर खान कमेंट किया करते थे और लोगों को ये लगने लगा था कि इनका नाम भी जाकिर खान ही है मतलब की लोग ये नहीं सोच रहे थे कि ये जाकिर खान से सिमिलर है ये लोगों को ये लगता था कि उनका नाम भी जाकिर खान मतलब वो ट्रोल तो नहीं किया जाता था ऐसा बोले हुए तो छोटी दिखा ज़्यादा दिखाने पर कॉपीराइट जो स्टाइल लग जाता है भाई इंटेंस लेवल पे तो नहीं हुआ हाँ? बट ऐसा लोगों ने नाम में करा कराया मेरे को लगता है उसके काफी कारण हो सकते हैं सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे बोलने का स्टाइल थोड़ा सा सेम है क्योंकि वो इंदौर से है मैं भोपाल से हूँ एंड वहाँ के लोग काफी एक तरह के ही टोन में बातचीत करते हैं तो अगर हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भोपाली भी बैठेगा तो तुमको लगेगा कि यार ये शायद भाई बोल रहा है बट तो अपडेट हैं तो सतीश राज है वो बस्सी का नया स्पेशल के ऊपर रिएक्ट किया है तो शायद से वो इनका शो देखने गए थे तो उसी में स्टोरी डालकर ये लिखे थे किसी को बताना मत इज द फनीस्ट स्पेशल ए बार मतलब की बस्सी का तारीफ करे हुए तो बस तो आज के लिए इतने पसंद आया तो लाइक कीजिएगा लगातार ऐसे ही से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं एक सबसे मत बोलिएगा